हेलो, देखिए आपका ग्राम पंचायत चल रहा था, यानी कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947, इसमें आपका तीन संस्थाओं के बारे में, जो गांव में तीन संस्थाएं हैं उनके बारे में बताया जा रहा था। पहले उनका कार्य और शक्तियां और कर्तव्य बता दिया जाए। सबसे पहले हमने ग्राम सभा के बारे में बताया कि ग्राम सभा किससे मिलकर बनेगी, तो जितने चुनाव सटा दीजिए, देखिए पारा बताया गया था आपका ग्राम सभा। ग्राम सभा किनसे मिलकर बनेगी, तो ग्राम में जितने आपका वोटर है उनसे मिलकर बनेगी, और ग्राम सभा का आपका बैठक होगी। ग्राम सभा की दो बैठक होगी, एक खरीद की और दूसरा कौन आपका बैठक के लिए गणपूर्ति, याद रखिए 1/5 बैठक। इनका कार्य क्या है, कार्य ये है केवल सिफारिश करना, यानी कि केवल सुझाव देगी। किसको सुझाव देगी, ग्राम पंचायत। अब हमें ग्राम पंचायत पर आ जाना है कि ग्राम पंचायत किससे मिलकर बनेगी, तो ग्राम पंचायत जो मिलकर बनती है प्रधान से मिलकर बनती है और मेंबरों से, यानी कि जो ग्राम यानी कि ग्राम आपका पंचायत किससे मिलकर बनेगी, तो मेंबर जो वार्ड मेंबर होते हैं और आपका प्रधान, तो ग्राम सभा का भी अध्यक्षता कौन करेगा, प्रधान ही करेंगे। ग्राम पंचायत के भी अध्यक्ष कौन होंगे, प्रधान। और एक और संस्था आगे आएगी भूमि प्रबंधन समिति, उसके भी अध्यक्षता और सभापति कौन होंगे, तो प्रधान, यानी कि प्रधान तीनों संस्थाओं का प्रधान है, ये कह सकते हैं। तो आपका ग्राम सभा पूरी तरह पढ़ाई जा चुकी है, ग्राम पंचायत आपका पढ़ाया जा रहा था। जिस प्रकार प्रधान के पदों में रिजर्वेशन है, उसी प्रकार जो ये ग्राम पंचायत में वार्ड मेंबर होते हैं उनके भी पदों में रिजर्वेशन, तो ग्राम प्रधान में कैसे रिजर्वेशन है, फिर एक बार देखिए। आपका अधिकतम 50% सीटें OBC SC और ST के लिए क्या होंगी, रिजर्व। और टोटल में 1/3 सीटें यानी कि 33% सीटें आपका किसके मने 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो। 50% में जो OBC का आरक्षण प्रधान के पदों में होगा वह 27% से अधिक नहीं होगा। ये आरक्षण आपका कब तक चलेगा, तो जब तक कि संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया था, 334 में, लोकसभा में SC और ST के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है, तब तक चलता रहेगा, ये बताया गया। फिर आपका ये जो रिजर्वेशन है ये सर्किल वाइज चलता है, यानी जैसे कि एक गांव के प्रधान का अगर पद रिजर्व हो गया तो अगली बार वह चक्र मैंने उसको चेंज किया जाएगा। जैसे महिला हो जाएगा तो कभी OBC का, तो कभी SC का, तो कभी ST के लिए, तो कभी अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व, ऐसे सर्किल वाइज चलता रहता है। कैसे चलता रहता है, इसको कहते हैं चक्रीय क्रम अनुसार, यानी कि सर्किल वाइज। आपको जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन बताया जाएगा तो वहाँ भी जो अध्यक्ष चुने जाते हैं आपका सुरक्षा परिषद के, वहाँ भी सर्किल वाइज बताया जाएगा। आइए इसको ग्राम पंचायत को आगे बढ़ाइए भाई। ग्राम पंचायत पर हम लोग थे, जिस प्रकार प्रधान के चुनाव में आपने देखा प्रावधान, लगभग वही प्रावधान आपके ग्राम पंचायत में भी मिलेंगे। फिर एक बार हम शुरुआत करते हैं और प्रयास ये करिए भाई, ये लोग मैंने ये सब जो है आपका लोग पढ़ते कम हैं, तो पढ़ते कम हैं और इसी में नंबर में कम आता है,
तो प्रयास ये करना कि इसको आपका अच्छे से एक बार तैयार करिए और फिर एक बार आपका क्या किया जाएगा फ्री के बाद बता जाएगा, थोड़ा स्पीड बढ़ा कर, ताकि भाई दो बार हो जाएगा तो दिमाग में जो छूटा पड़ता रहेगा वो भी बढ़ जाएगा। देखिए आपका धारा 12 में ग्राम पंचायत के बारे में प्रावधान है, फिर एक बार हम शुरू करते हैं, थोड़ा लंबा प्रावधान है क्योंकि इसमें आपका रिजर्वेशन से लेकर तमाम बातें रहेंगी। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए उस पंचायत क्षेत्र के नाम पर एक ग्राम पंचायत संगठित की जाएगी, यानी कि गठित की जाएगी, यानी कि प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत होगी और पंचायत क्षेत्र के नाम पर, तो पंचायत क्षेत्र किससे बनेगा, तो एक गांव या एक से अधिक गांव को मिलाकर, अगर एक से अधिक गांव को मिलाकर पंचायत क्षेत्र बनता है तो उस पंचायत क्षेत्र का नाम किस गांव के नाम पर होगा जिसकी आबादी कम होगी अधिक की मिलेगा, बस याद रखिए। आइए खंड ख देखा जाए, प्रत्येक ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय होगी, ये भी कल डिटेल में आपको बताया गया था, यानी कि आपका ग्राम पंचायत निगमित निकाय होगी, इसका मतलब ये हुआ कि ग्राम पंचायत विधिक व्यक्तित्व रखती है, लीगल पर्सनालिटी रखती है, यानी कि ग्राम पंचायत अपने नाम से मुकदमा कर सकती है और ग्राम पंचायत के नाम के विरुद्ध मुकदमा हो सकता है, दोनों। सी देखिए, किसी ग्राम पंचायत में एक प्रधान होगा और मेंबर होंगे तो पंचायत क्षेत्र की स्थिति में कितने मेंबर होंगे ये जनसंख्या पर निर्भर करेगा, और कल भी बताया गया, ये याद करके जाइएगा, अगर 1000 का उस ग्राम पंचायत की जनसंख्या है तो कितने मेंबर, 9, 1000 से 2000 के बीच में तो 11, 2 से 3000 के बीच में तो 13, और आपका 3000 से अधिक है तो 15, ये रख कर जाइएगा। देखिए आपका डी खंड देखिए, ग्राम पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को ऐसी रीत से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसको आवंटित स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासंभव एक ही हो, यानी कि एक प्रयास किया जाएगा कि जो ये आपका वार्ड बनाए जा रहे हैं या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जा रहे हैं ये सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या का अनुपात क्या हो, एक, जैसे कि अगर 200 जनसंख्या पर एक वार्ड है तो गांव को ऐसे बांटा जाएगा, मैंने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में, कि प्रत्येक वार्ड का मेंबर 200 जनसंख्या पर हो, बंटवारा किया जाता है, परिसीमन होता है। इसके बाद आपका अगला है कि ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि ग्राम पंचायत के एक सदस्य द्वारा किया जा रहा है, तो लगातार बता जा रहा है तो मेंबर होता है, भाई मेंबर यही होता है, एक मैंने एरिया का मेंबर। अगला देखिए आपका, किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा और नियंत्रित से किया जाएगा, यानी कि जैसा राज्य सरकार नियम बनाए उस हिसाब से ग्राम पंचायत क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा, ये भी बात। तीसरा खंड देखिए, कोई ग्राम पंचायत जब तक कि उसे धारा 95 की उपधारा 1 के खंड 4 के अधीन पहले ही विघटित न कर दिया जाए अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत दिनांक से 5 वर्ष तक न की उससे अधिक बनी रहे, ये क्वेश्चन आपका HJS में भी पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है, तो ये अंडरलाइन कर लीजिए, तो जो प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख है उससे गिना जाएगा, कितना साल, 5 साल, लेकिन राज्य सरकार चाहे तो धारा 95 के तहत 5 साल के पहले ही इसे क्या कर सकती है, विघटित।
तो अगर विकसित हो गया तो कम, अविकसित नहीं हुआ तो पाँच साल। अब इसी को आपका अन्य आपका नियमों में जोड़िए तो लोकसभा का कार्यकाल कितना समय होता है, तो प्रथम बैठक के दिन से कितना दिन, पाँच साल। जब तक कि लोकसभा को पहले ही विघटित न कर दिया गया तो लोकसभा को पहले ही डिजोल्यूशन या विघटित कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। कौन करता है? राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता, लेकिन प्रत्येक दो वर्ष में 1/3 मेंबर पद मुक्त होते हैं और इतने चुने जाते हैं, अस्थायी सदन। किसी प्रकार आपका राज्य में आ जाइए, विधानसभा का कार्यकाल, तो प्रथम बैठक की तारीख से 5 साल, जब तक कि इसके पहले ही विघटित न हुई हो। और आपका कौन विघटित करता है, राज्यपाल। और विधान परिषद जो होती है वो स्थायी सदन है, राज्यसभा के समान। अगला देखिए भाई, को रेड भी कर दिया गया, यहाँ से क्वेश्चन बना है, सतर्क रहना। देखिए अगला आपका खंड तीसरा का ये था, ये तीसरा का भी देखिए। किसी ग्राम पंचायत के संगठन के लिए निर्वाचन, यानी कि किसी ग्राम पंचायत के गठन के लिए, संगठन मैंने गठन के लिए निर्वाचन कब कराया जाएगा, तो खंड क में भी निर्दिष्ट उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व, यानी कि सामान्य नियम ये है भाई, आपका कह सकते हैं कि 5 साल बीतने के पूर्व ही इनका चुनाव करा लिया जाए। लेकिन अब अभी जो आप देख रहे हैं कि 5 साल बीत गया और प्रधानों के सारे अधिकार क्या कर लिए गए, छीन लिए गए, तो जब नहीं कराया जा सका 5 साल के अंदर, तो अगले कितने माह के अंदर चुनाव प्रधानी का कराया जाएगा, 6 माह। तो लोकसभा का आ जाए तो थोड़ा, लोकसभा अगर विघटित हो जाती है तो कितने दिनों के अंदर लोकसभा का चुनाव कराना अनिवार्य है, 6 माह। विधानसभा विघटित हो जाती है तब भी सामान्यतः 6 माह, भाई कितने माह, हाँ विधानसभा में थोड़ा नियम दूसरा है, और 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 1 साल, लेकिन एक बार में 6 माह। तो आइए देखा जाए, फिर एक बार बैक हो जाइए, मैंने आपका कोरिलेशन भी चलता रहे, ताकि संविधान से भी कुछ क्वेश्चन आपका तैयार होता रहे, ग्राम पंचायत से भी। देखिए फिर एक बार हम बता रहे हैं, क्योंकि अभी आधा ही बताया गया था, पूरा बताया जाए इसको। किसी ग्राम पंचायत के संगठन यानी कि गठन के लिए चुनाव कब कराया जाएगा, तो धार आपका खंड 3 बी बताता है कि खंड क में निर्दिष्ट उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व, यानी कि सामान्यतः 5 साल जब समाप्त हो रहा है उसके पहले ही प्रधानी का चुनाव क्या किया जाए, करा लिया जाए। दूसरा, उसके विघटन के दिनांक से 6 मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व पूरा कराया जाए, यानी कि अगर नहीं कराया जा सका तो विघटन से कितने दिन के अंदर, अगले 6 माह। तो आपका मान लीजिए पिछले महीने आपका प्रधानों के अधिकार छीन लिए गए, तो राज्य सरकार अब कितने दिनों में निर्वाचन आयोग राज्य का कराएगा प्रधानी का चुनाव, तो 6 माह, अगले 6 माह। अगला देखिए, प्रतिबंध यह है कि जहां विघटित ग्राम पंचायत की शेष अवधि जब तक कि ग्राम पंचायत बनी रह सकती थी 6 माह से कम है, तो वहाँ कोई चुनाव नहीं होगा। इसको भी थोड़ा समझिए, मान लीजिए प्रधान जी थे और 4.5 साल उनका कार्यकाल बीत गया, तब तक हटा दिए गए या इस्तीफा दे दिए या आपका मर गए, जो भी हुआ, तो अगर उनका पुराना कार्यकाल 6 महीना ही बचा है या उससे कम, तो नया चुनाव उस सीट पर नहीं कराया जाए, क्योंकि 6 माह बाद पुनः अब क्या करना है, पूरे प्रधानों का चुनाव। अब लोकसभा में इसको जोड़िए थोड़ा, एक दिमाग लगाकर,
लोकसभा 5 साल के लिए गठित होती है, तो अगर कोई लोकसभा का सांसद मर जाता है, इस्तीफा दे देता है, न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, और अब लोकसभा का कार्यकाल केवल कितना बचा है, 6 महीने, तो उस सीट पर निर्वाचन आयोग उप निर्वाचन नहीं कराता, उस सीट पर नहीं कराता, वैसे खाली रहती है, क्योंकि 6 माह बाद पुनः क्या करना है, चुनाव होना है पूरा, तो ये सतर्क रहेगा, 6 माह बाकी हो तो अब चुनाव नहीं हो, तो आखिर 6 माह में प्रधान काम का विकास कैसे किया जाएगा, तो विकास के लिए बताया गया था या तो प्रशासनिक समिति नियुक्ति होगी, जिसमें कितने लोग बताए गए थे, 3, या सरकार क्या एक नियुक्त कर देगी प्रशासन, या तो प्रशासनिक समिति या क्या बताया गया था इसको, प्रशासनिक समिति कितने लोगों से मिलकर बनेगी, 3, यही सब रट्टा मारना है और कुछ उपाय नहीं, देखिए आगे बढ़ आपका। अब आइए खंड सी, किसी ग्राम पंचायत के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व विघटन पर संगठित की गई ग्राम पंचायत उस अवध के केवल शेष भाग के लिए, जिस अवध तक विकसित ग्राम पंचायत खंड प के अधीन बनी रहती, आपका उतना ही समय उसको मिलेगा, यानी कि 28 साल में प्रधान जी इस्तीफा दे दिए, मर गए और नए प्रधान का चुनाव हुआ, तो क्या अब वो 28 साल रहेगा प्रधान की, पूरा 5 साल, 28 साल जितना पुराने प्रधान का क्या हुआ था कार्यकाल, बचा मेंबरों में भी यही, अगर मान लीजिए मेंबर का भी कार्यकाल कितना बचा हो, 28 साल, और खाली हो गया पद, नया मेंबर चुना जाता है तो अब ये न कहेगा तो 5 साल रहेगा, लोकसभा में भी यही होता है, बीच में कोई इस्तीफा दे दिया 3 साल बाद, 2 साल अभी बचा है, तो जो उपचुनाव होते हैं वे लोग कितने दिन के लिए केवल चुने जाएंगे, 2 साल, ये सामान्य नियम है, इसमें कोई ये नहीं। अगला ये देखा जाए भाई, ग्राम पंचायत का संगठन ऐसी रीति से सूचित किया जाएगा जो नियत किया जाए, और तदुपरांत ग्राम पंचायत को सम्यक रूप से संगठित समझा जाएगा, भले ही उनमें कोई रिक्ति, यानी कि ग्राम पंचायत का चुनाव हो गया, प्रधान जीत गए, आपका मेंबर जीत गए, तो ग्राम पंचायत गठित हो गई, लेकिन सबसे खतरा देखिए कहाँ है, और मैं बताया भी था, ग्राम पंचायत के गठन के लिए यह आवश्यक है कि आपका मैंने कम से कम कितने मेंबर चुन लिए जाए, वोटिंग हो जाए 2x1, यानी कि एक तो प्रधान जी चुन लिए गए और प्रधान जी के बाद वार्ड मेंबर भी चुने जाएंगे, और वार्ड मेंबर कितने चुने गए हों 2x, यदि वार्ड मेंबर 2x3 से कम पर ही चुनाव हो पाया या कम चुने गए, तो ऐसी दशा में ग्राम पंचायत गठित नहीं होगी, और प्रधान जी जीत कर भी अभी इंतजार करेंगे कि अब शपथ लेंगे तो अब शपथ लेंगे, अभी शपथ नहीं, तो इसके लिए उपाय हमने बताया था, देखिए क्या करते हैं प्रधान जी। अब मान लीजिए कि कई वार्डों में ये होता है कि आप क्या कह सकते हैं कि वार्ड मेंबर क्या चुनाव कोई लड़ता ही नहीं, तो मान लीजिए कि आपका 27 वार्ड, मान लीजिए कोई उदाहरण, मान लीजिए 15 वार्ड है, तो 15 में 2/3 आपका हो गया 10, और मान लीजिए केवल 9 वार्ड मेंबर ही चुने गए और 6 का पद क्या रहा था। अब ऐसी दशा में जब 2/3 से कम मेंबर चुने गए हैं, तो क्या ग्राम पंचायत गठित होगी कि नहीं, नहीं होगी, तो प्रधान जी अभी इंतजार करें, आपका अभी शपथ नहीं, अभी चार्ज नहीं, क्यों, क्योंकि तो ग्राम पंचायत में रिक्ति है, लेकिन कम से कम अगर 2/3 चुन लिए गए हैं तब प्रधान जी आपका शपथ लें, तो इसके लिए मैं उपाय बताया था कि प्रधान जी अब पैसा देते हैं और जिस वार्ड से मेंबर नहीं है वहाँ किसी व्यक्ति को खड़ा कराते हैं, और आपका निर्विरोध ज़्यादा लोग चुन लिए जाते हैं, और जैसे 2x3 का कोटा क्या हो पूरा,
अब ग्राम पंचायत गठित और तब प्रधान जी क्या करेंगे, शपथ लेंगे, ऐसे नहीं कम से कम कितना 2x4 सतर्क रहिएगा इस पर। अगला देखिए भाई आपका स्पष्ट वही बता रहे, अगला सब बता ही दिया गया, बताने को गैरेंट हो सकता है। खंड 3 ये देखिए, इस अधिनियम के क्रियान्वयन उपबंधों में किसी बात के होते हुए जहां आपका ग्राम पंचायत का गठन ही नहीं हो पाया तो ऐसी दशा में होगा क्या, तो आप लोग बताइए, या लोक हित में आवश्यक हो और ग्राम चुनाव ग्राम पंचायत का चुनाव ही न हो तो होगा क्या, तो या तो प्रशासनिक समिति नियुक्त की जाएगी या प्रशासन, तो प्रशासनिक समिति में आपका बताया गया था कल परसों भी आपका कितने लोग होंगे, 3 जो मेंबर चुने जाने के योग्य हो, और प्रशासक भी नियुक्त किया जा सकता है और सरकारी अधिकारी को किसी क्या बनाया बना दिया जाएगा प्रशासक, और ग्राम पंचायत ये मानी जाएगी और जो भी कार्य ग्राम पंचायत और प्रधान करते हैं वे कार्य कौन करेगी, प्रशासनिक समिति या कौन प्रशासन, ये तो बता दिया गया है। अभी आया कि आपका ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है मैंने ग्राम पंचायत के सदस्य का कार्यकाल, तो जब ग्राम पंचायत विघटित तो सदस्य का कार्यकाल भी क्या होगा, समाप्त भाई बना नहीं रहेगा आपका। इसके बाद रिजर्वेशन मैं बता ही दिया था, अब रिजर्वेशन अलग से बताने की आवश्यकता नहीं। जो प्रधान के पदों में हमने रिजर्वेशन बताया था वही रिजर्वेशन आपका कहाँ काम करेगा, तो आपका ग्राम पंचायत के मामले में भाई कहिए तो दोबारा बताया जाए, नहीं तो वही आपका रिजर्वेशन बताया गया था। अब आइए अब निकाल लीजिए सेक्शन आपका ग्राम पंचायत के बारे में भाई, एक एक जगह एकत्र करके बताया जा रहा है। अब आपका अध्याय 4 आइए, मैंने क्रम से बताया जाए, तीनों संस्थाएं पहले बता दिया जाए फिर बैठ हो जाएगा। अध्याय 4 धारा 15 यहाँ से भी आपका, अभी तो ग्राम पंचायत का हमने गठन बताया और ग्राम पंचायत का चुनाव बताया, इसके बाद हमें ग्राम पंचायत के कार्य भी पढ़ना है और शक्तियाँ भी, शक्तियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। कार्य भी मैथ में पूछा गया है कि ग्राम पंचायत के कार्यों का उल्लेख करिए, भाई कार्य आपका दिया गया है। देखिए फिर एक बार कॉन्सेप्ट बनाइए, धारा 15 से मेंस में आता है भाई, अच्छे से तैयार रखना है। अध्याय 4 में ग्राम पंचायत की शक्तियाँ कर्तव्य कृत्य और प्रशासन के बारे में प्रावधान, तो आपका कार्य पूछा जाता है, शक्तियाँ अलग से पूछी गई है, 5-6 धारा लिखनी पड़ेगी मेंस में, लेकिन सबसे पहले ग्राम पंचायत का कार्य देखा जाए, तो फिर एक बार एक लाइन कॉन्सेप्ट बनाइए। ग्राम पंचायत ही मुख्य रूप से ग्राम सभा की ओर से कार्य करती है, ग्राम सभा की ओर से कार्य करने का अधिकार किसको है, ग्राम पंचायत को, और ग्राम सभा की ये कार्यकारिणी मानी जाती है, क्या मानी जाती है, कार्य करने वाली संस्था, और ग्राम सभा इनको सिफारिश करती है ये कार्य किया है, तो ग्राम सभा के कार्य अलग थे, केवल कुछ मामलों में क्या करना सिफारिश या सुझाव देना, किसको सुझाव देती थी, ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत किससे मिलकर बनेगी ये भी दिमाग में हमेशा बैठा रही है, प्रधान और मेंबर किससे मिलकर, हाँ अब आइए इनके कार्य देखा जाए, तो ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होगा, प्रधान। देखिए भाई कार्य आपका, एक कार्य देखिए आपका धारा 15 निकालिए, ग्राम पंचायत के कृत्य, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी राज्य सरकार समय समय पर विनिर्दिष्ट करे
प्रत्येक ग्राम पंचायत निम्नलिखित कार्यों का संपादन करेगी, यानी कि करने के लिए बाध्य। अब ग्राम पंचायत क्या क्या करेगी आपका, लेकिन राज्य सरकार द्वारा समय समय पर लगाई गई कंडीशन के अनुसार, यानी कि राज्य सरकार इन कृतियों पर, इन एक्ट पर, इन कार्यों पर समय समय पर कंडीशन लगा सकती है। तो कौन कौन कार्य करेगी, तो पहला है कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार भी है और फिर आपका डिटेल में कृषि के बारे में दिया गया है। देखिए, कृषि और बागवानी का विकास और प्रोन्नत ग्राम पंचायत का कार्य है कि कृषि का विस्तार करें, बागवानी का विकास करें, ताकि गांव के लोग आपका अच्छा फसल बोएं, अच्छा फल उगाएं और समाज में गांव का विकास हो। फसल अच्छा होगी, आपका बागवानी यानी कि फल अच्छा फूल होगा और तभी तो गांव का विकास और क्या होगा, प्रोन्नत। भाई लोग बेचेंगे, आपका तो मैंने पैसा पाएंगे। दूसरा देखिए, बंजर भूमि का मतलब ये हुआ कि जिस भूमि में अन्न का उत्पादन नहीं होता, इसको ऊसर कहा जाता है। ना चोरी कीजिएगा, बंजर भूमि समझ रहे कि नहीं आपका, बंजर भूमि यानी कि आपका कहा जाता है कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस चली पबराज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भैंस को भैंस ना समझ रहे, उसके आगे चाहे बीन बजाइए या बांसुरी बजाइए, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। रोड पर ही देख लीजिए, आप हाथ बजाते रहिए, कोई असर नहीं, आपको ही गाड़ी इधर उधर करनी पड़ेगी, रोड बीच में चल रहे तो चलती रहे। भाई इलाहाबाद में तो और समस्या है, जब भी आइए जाम ही लगा रहता है, भैंस गाय सुअर बकरी से। तो आइए, बंजर भूमि का मतलब ये हुआ कि ऊसर भूमि का मतलब हुआ कि जिसमें कुछ नहीं उगता। तो एक बता दिया जाए आपको थोड़ा बंजर भूमि के बारे में। इसका देखिए, बंजर भूमि भारत में ज़्यादा थी और बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए सरकार ने तमाम कार्य किए और जो खाद्य एवं कृषि विभाग मैंने कृषि आपका मैंने है आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना आपका, खाद्य एवं कृषि संस्थान जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसके द्वारा आपका केमिकल आता था, मैंने बोरी बहुत ज़्यादा आता था उस समय, और जितने बंजर भूमियाँ थी उसमें डाला जाता था ताकि वो उपजाऊ। और सरकार भी योजना चलाती है, हाँ बंजर भूमि में आपका राजस्व नहीं लगता, ये भी याद रखिए, बंजर भूमि का राजस्व सरकार नहीं लेती है, क्योंकि कुछ उगता ही नहीं तो राजस्व किस बात का। तो बहुत पैसा आता था, बहुत आपका खाद आता था और बंजर भूमि में डालकर उपजाऊ बनाया गया जाता था, जिसमें ऊसर भूमि, तो बहुत इस पर पैसा खर्चा किया गया भाई, अब तो कम दिखती है। अगला देखिए, बंजर भूमि और चारागाह भूमि का विकास और उसके अनधिकृत संक्रमण और प्रयोग की रोकथाम। इसका मतलब ये हुआ कि बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाए ग्राम पंचायत, इसके लिए कार्य करे, इसके बाद चारागाह भूमि का विकास करें, यानी कि जो भैंस गाय बकरी ये कहाँ चरेंगे वो तो चारागाह भूमि बनाए, और अगर कोई व्यक्ति बंजर भूमि या चारागाह भूमि पर कब्जा कर अंतरण करता है, संक्रमण ना आए तो लिख दीजिए अंतरण, ट्रांसफर कहा जाता है, संक्रमण करता है गलत तरीके से, तो उसको ग्राम पंचायत रोके। तो मुकदमा कर सकते हैं कि नहीं ग्राम पंचायत अपने नाम से कर सकते हैं, क्योंकि हमने बताया था धारा 12 में कि ग्राम पंचायत एक कारपोरेट क्या होगी। अगला देखिए भाई, दूसरा आपका कार्य देखिए, दूसरा है भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण।
देखिए आपका दूसरे में क्या क्या करेगी ग्राम पंचायत। भूमि का विकास करे, भूमि सुधार करे यानी कि उपजाऊ और बनाए भूमि, भूमि संरक्षण में सरकार और अन्य एजेंसियों की सहायता करे। तो बताइए भूमि संरक्षण कैसे किया जाएगा, जमीन का संरक्षण कैसे होगा। तो आपका कई तरीके हैं भाई, जैसे कि आपका उपजाऊ भूमि है और बारिश के कारण ऊपर का परत बह जा रहा है तो बाढ़ न लगाए तो बांध बना दे भाई, ताकि इधर से मैंने उपजाऊ भूमि का पानी कहाँ ना जाए। यही सब तो प्रधान जी करा रहे हैं मनरेगा के तहत। चलो यहाँ गड्ढा खोदो, यहाँ भरो और यहाँ गड्ढा जमीन है तो यहाँ से खोद कर क्या करो, यहाँ गड्ढा खोद दो, यहाँ तालाब खोद दो, यहाँ कुआं खोद दो, तालाब ज्यादा बनते हैं। ये ग्राम पंचायत का सब कार्य है, देखिए क्या कार्यों को। इसके बाद आपका भूमि चकबंदी में सहायता करना। अब भूमि चकबंदी क्या है ये भी समझना आपको। देखिए इसको रट्टा मारना है, समझाया जा रहा है इसको क्या करना है। सभी कार्य तो आप नहीं लिख सकते, लेकिन भाई 20 कार्य तो याद करिए मैं उसके लिए, और 20 कार्य कम से कम ना आए तो अपने मन से जो मैं उदाहरण बता रहा हूँ, चकबंदी कराना, ये कराना, सब करे, भूमि का विकास कराना, भूमि को उपजाऊ बनाना, बंजर को उपजाऊ बनाना, यही सब लिख डालिए, अब कोई उपाय नहीं। देखिए आपका भूमि चकबंदी में सहायता करना, वो आपको भूमि चकबंदी अधिनियम भी बताना है और आपका यूपी में पढ़ना है चकबंदी कैसे हो, तो दो लाइन बता दिया जाए। चकबंदी को कहते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब हुआ समेकन, समेकन का मतलब हुआ एकत्र करना। एकत्र करने आखिर किसको एकत्र किया जाता है, एक तो कानूनों को एकत्र किया जाता है तो समेकन कहा जाता है, एक वस्तुओं को एकत्र किया जाता है वो भी समेकन, आपका चीजों को एकत्र करिए वो भी समेकन, आपका और लकड़ी एकत्र करिए वो भी समेकन। लेकिन आपका समेकन हर एक में लागू होगा, लेकिन जब भूमि को एकत्र करेंगे तो उसको भी समेकन कहा जाता है। तो कभी बताया जाएगा समेकन का सिद्धांत। एक क्वेश्चन आपका यूपीजे में आता, जाके नाप कंसोलिडेशन जब चलेगा सीपीसी या सीआरपीसी या टीपीए चले तो वहाँ आपका एक जगह एकत्र करवाया जाएगा, क्योंकि तो अभी संभव नहीं है आपका यहाँ। तो सीपीसी में भी कंसोलिडेशन पूछा जाता है, सीआरपीसी में भी, टीपीए में इस बार धारा 51 पूछा ही गया था यूपीजे में कि डाकिन कंसोलिडेशन टीपीए की किस धारा में, आपका तमाम जगह से पूछा जाता है। लेकिन चकबंदी देखिए, चकबंदी का मतलब ये हुआ कि जो कृषक या किसान के या खातेदार के, वहाँ किस किसान को खातेदार कहा जाए, खातेदार का जो बिखरा हुआ खेत है उसको एक जगह क्या किया जाता है एकत्र, यानी कि जब बिखरे हुए खेतों को एक जगह एकत्र कर दिया जाता है तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, चकबंदी। एक आदमी के नाम अधिकतम कितना चक कट सकता है, 3, रटे रहिए, एक आदमी के नाम अधिकतम कितना चक कट सकता है, 3, अरे 3 से अधिक सामानता नहीं, लेकिन कट सकता है, लेकिन सामानता कितना चक। मान लीजिए 10 जगह किसी की जमीन है गांव में तो चकबंदी होगी तो सामानता प्रयास किया जाएगा कि 10 जगह की जमीन उसको एक जगह दे दी जाए, नहीं एक जगह नहीं तो 2 जगह, और 2 जगह नहीं तो अधिकतम 10 पीस कहाँ कितने कर दिया जाए, 3 जगह। तो चकबंदी अधिनियम आपको डिटेल में पढ़ना, चकबंदी कैसे शुरू होगी, कैसे की जाएगी। तो ग्राम पंचायत का भी काम है कि जब चकबंदी हो तो सहायता सहयोग करे कि असहयोग, ये कार्य। अगला देखिए भाई, लघु तीसरा देखिए, लघु सिंचाई
जल व्यवस्था और जल आच्छादन विकास। देखिए इसमें लघु सिंचाई परियोजनाओं से जल वितरण में प्रबंधन और सहायता करना। तो लघु सिंचाई परियोजनाएं होती क्या है? तो जो आपका नाली बनती है, सुने कि नहीं, गांव में सरकारी ट्यूबवेल है और नाली बनी है, तो नालियों की देख रेख किया की जाए। और आपका कर सकते हैं कि आपका नालियों से पानी अच्छे से जाए, ये किसका कार्य है? ग्राम पंचायत का। तब नाली कम बनाई जा रही है, अब पाइप लगाया जा रहा है, यानी कि प्लास्टिक का पाइप लगा दिया जा रहा है। अब तो ज़्यादातर नीचे नीचे नाली ऊपर नहीं बन रही है, नीचे नीचे खुदाई करके और पाइप जा रहा है, लेकिन पहले ऐसे नहीं था।